Modi, Modi. Is there anything like too much Modi? No. ये तो इन्हीं का मोमेंट है. इमेजिन इलेक्शंस ही इज वन, सेकंड टर्म इज प्राइम मिनिस्टर, ह्यूमंगस मैंडेट. सब कितना सही है ना. एक ही बहुत ही इज्जत के साथ मोदी जी को साइड में लेके जाएंगे. हाँ, अब देखो पॉलिटिक्स इलेक्शन कवरेज एक तरफ, इतने टाइम झेल लिया हमने, फिर आप भी सोचोगे ना कि यार कुछ एंटरटेनमेंट देखते हैं ना. फिल्म हॉल जाओगे और क्या देखोगे? पीएम नरेंद्र मोदी. वहां भी ओपिनियन पोल, मोदी बायोपिक इलेक्शन के वक्त रिलीज नहीं होनी चाहिए. एग्जिट पोल, ये फिल्म कभी भी रिलीज नहीं होनी चाहिए. रिजल्ट, क्या दिन मिला है रिलीज होने का, एट अ टाइम व्हेन द होल वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट मोदी जी. दिस इज अ फिल्म दैट टेल्स यू हिज स्टोरी. नाउ बायोपिक्स इन इंडिया ना डोंट टेल यू द स्टोरी, बेसिकली इट्स अ भजन. और इस फिल्म में नरेंद्र मोदी जी भगवान है. परफेक्ट सन, परफेक्ट स्टूडेंट, परफेक्ट देशभक्त. पर आपको एक बात बताऊं, मोदी जी से डर नहीं लगता, पर विवेक ओबेरॉय से लगता है. आप अपनी फिल्मों में थोड़ा कम ओवर एक्ट करें और अपने सोशल मीडिया पे थोड़ा कम ओवर रिएक्ट करें. जब से इन्होंने सोनम कपूर को ओवर एक्टिंग ना करने की एडवाइस दी, तब से बड़े गौर से इनको देखा और ये जाना कि इस रोल में ही इज सो स्टिफ एंड वुडन. ओनली गुड थिंग इज ही इज नॉट ट्राइंग टू मिमिक मोदी जी. बट ये कर्टसी हमने बाकी पॉलिटिकल फिगर्स को एक्सटेंड नहीं करी, चाहे राहुल गांधी हो या मनमोहन सिंह. इस फिल्म में ना उनका कैरिकेचर बना जस्ट फॉर लाफ्स. दिस इज डायरेक्टर उमंग कुमार तारीफों की पुल बांधना फॉर मोदी जी. मोदी जी इज अ ग्रेट मैन एंड ही वॉज बॉर्न ग्रेट. बेसिकली फिल्म इज बाय अ मोदी फैन फॉर मोदी फैंस. पर एक बात बताओ, मोदी जी तो हमें इतने पसंद है, वोट हम दे चुके हैं, फिल्म कुछ नया बता सकती थी, पर नहीं. फादर सन दोनों पास लगे हुए हैं. तो सीनियर ओबेरॉय यानी कि सुरेश ओबेरॉय, ही इज आल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स बाय द वे ऑफ द फिल्म, उनके वॉइस ओवर से पिक्चर शुरू होती है जब वो हमें बताते हैं ये इंसान की नहीं बल्कि देश की कहानी है. बस 10 मिनट के लिए मोदी जी को एज बच्चा दिखाते हैं, उसके बाद 11वें मिनट में बेटे विवेक ओबेरॉय की एंट्री होती है विद अ दाढ़ी एज यंग नरेंद्र मोदी. बाल नरेंद्र की किताबों में हम एकदम घुस जाते हैं. तो जो चीजें हमें ऑलरेडी पता थी कि मोदी जी चाय बेचते थे, मोदी जी ने क्रोकोडाइल के बच्चे को पकड़ा, ऑल दैट वी गेट टू नो. वी आल्सो सी द फेज इन हिज लाइफ व्हेन ही वांटेड टू रिनाउंस एवरीथिंग एंड गो टू द हिमालयस. मोदी जी सच्चे देशभक्त हैं, देश की सेवा के लिए वापस आ जाते हैं, गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनते हैं. पर जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक रायट एक्यूजेशंस, लाइक यूएस का वीजा ना मिलना, लाइक ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, सब ऑपोजिशन की साजिश है, ऐसा उमंग कुमार ने बताया. You know what? There's no problem. Biopic banani hai, banao. Modi ji is the flavor of the season. In pe banao, inki tareef bhi kar do. Par kuch to alag dikhao. Now the film tells the story of Modi ji from 1950s to when he won the 2014 elections. Par real Modi ji to developing story hai na. Second election bhi jeet gaye, itta kuch kar rahe. To basically Modi ji ko follow kar lo, kyunki film to apne aap mein jumla hai. You know, if you're a true Modi supporter, you'll also say my leader deserves a better film. डिस्क्लेमर से पता था फिल्म का क्या इंटेंशन है, तारीफें ही होनी है, बंदा कितना देख लेगा. यू गेट एब्सोल्युटली टोटली बोर्ड, इट्स अ वीक स्क्रीन प्ले, वेरी टैकी डायरेक्शन. मोदी जी के लिए वोट करना ये तो आपका हक, आपका डिसीजन, पर फिल्म देखना आपकी मजबूरी थोड़ी ना है. आप चिल करो, मैं इसे दे रही हूँ 1.5 क्विंस आउट ऑफ 5. और सुनो, अगर मोदी जी से सच्ची प्यार है ना, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्विन को सब्सक्राइब करो और अच्छे वाली कॉमेंट्स लिखना मत भूलो.